हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज की वीडियो में हम कॉमर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बिजनेस का जो कॉमर्स सब टॉपिक है उसमें ट्रेड क्या है, ए टू ट्रेड क्या है और उसके क्लासिफिकेशन क्या है, ये सब डिटेल्स हम देखने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ जाए। तो पहले हम ओवरलुक कर लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, पहले बिजनेस क्या है। बिजनेस क्या होता है फ्रेंड? सम काइंड्स ऑफ एक्टिविटी में पर्सन का बिजी होना, इसे हम बिजनेस बोलते हैं। मतलब ऐसी एक्टिविटी में बिजी होना जहाँ से कुछ कुछ अर्निंग करता है, मतलब वहाँ से उसको कुछ बेनिफिट मिलता है, इकोनॉमिक गेन होता है, उसे हम बिजनेस बोलते हैं। सो बिजनेस जो है टू टाइप्स के है, टू टाइप्स में डिवाइड होती है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री के डिटेल्स वीडियो में आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। इंडस्ट्री क्या है? जहाँ पे प्रोडक्शन होता है और उसका सब क्लासिफिकेशन भी है, वो मैंने उस वीडियो में बताया है। तो आप, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स को लिंक दे दूंगी, उससे वो वीडियो जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैसे देखना है फ्रेंड्स? इस वीडियो पे नाम पे आपको क्लिक करना है तो नीचे आपको लिंक मिल जाएंगी। इस वीडियो में हम कॉमर्स देखेंगे। इंडस्ट्री मतलब जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, और कॉमर्स मतलब एक जगह से कौन सी चीज़ प्रोडक्शन हो गया तो उसको दूसरी जगह के ट्रांसपोर्ट करना, जहाँ पे कस्टमर की नीड है वहाँ तक पहुँचाना, उसे कॉमर्स बोलते हैं। तो कॉमर्स के बारे में डिटेल हम देखते हैं। सो कॉमर्स क्या होता है फ्रेंड्स? कॉमर्स इज अ कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड। मतलब जो गुड्स मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट्स है, जो फिनिश प्रोडक्ट्स है, उसे हम फिनिश प्रोडक्ट्स भी बोलते हैं और गुड्स भी बोलते हैं। इंडस्ट्री में यानी कि मैन्युफैक्चरिंग साइट पे जहाँ पे वो मैन्युफैक्चर हो जाता है, वहाँ से उसको कस्टमर तक, जहाँ वहाँ पे उसके यूजर्स है वहाँ तक पहुँचाना अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट एंड नीड। मतलब जहाँ पे उसकी जरूरत, जैसे क्योंकि एक जगह पे इंडस्ट्री से कोई कस्टमर डायरेक्टली परचेस नहीं कर सकता, वो तो हम तो शॉप्स से परचेस करते हैं। तो पहले शॉप्स वाला कहाँ से लेगा? होलसेलर से। तो ये पूरी जो लिंक है उसे कॉमर्स बोलते हैं। मतलब कॉमर्स इज अ लिंक बिटवीन कस्टमर एंड प्रोड्यूसर। मतलब जहाँ पे वो प्रोडक्ट बनता है, मैन्युफैक्चर होता है, उसे प्रोड्यूसर और जो कस्टमर है, जहाँ पे उनको चाहिए, उनके बीच का कॉमर्स ये क्या है? लिंक है। कॉमर्स एक ऐसा ऑक्यूपेशन है कि वहाँ पे क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग होता है। मतलब एक जगह से बाय करना और दूसरे जगह पे सेल करना, और वहाँ से उनको कुछ प्रॉफिट मिलता है। मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन कमोडिटीज, जो फिनिश प्रोडक्ट्स है उसका एक्सचेंज करना एक जगह से दूसरे जगह पे। पहले फैक्ट्री में वो प्रिपरेशन होगा, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, बाद में होलसेलर के पास जाएगा, होलसेलर से रिटेलर के प्लस, और फिर बाद में कस्टमर को जाएगा। ये पूरा लिंक है, उसे हम कॉमर्स बोलते हैं। मतलब कॉमर्स ये जो ऑक्यूपेशन है वो क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ओके, सो कॉमर्स में हम दो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जो कॉमर्स की सब डिविजन है, ट्रेड एंड एड टू ट्रेड, ये हम इस वीडियो में पूरा देखेंगे। पहले ट्रेड क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, ट्रेड मतलब कॉमर्स मतलब बाय करना और सेल करना, उसे हम ट्रेड बोलते हैं एक्चुअल वर्ड में। ट्रेडिंग मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, buy on sale of goods and to get a benefit, to get a profit from trade, उसे जो ट्रेड है और जो ट्रेडिंग करता है उसे हम ट्रेडिंग बोलते, ट्रेडर बोलते हैं। तो ट्रेडर क्या करता है? एक जगह से गुड्स लेता है और दूसरी जगह पे बेचता है। और एड टू ट्रेड मतलब ट्रेडिंग के फंक्शंस क्या है, ट्रेडिंग के कौन से ब्रांचेस है, मतलब कॉमर्स की कौन सी बैचेस है। क्योंकि कॉमर्स के एड एंड एड टू ट्रेड ये सब डिविजन्स है, सो ट्रेड में ये सब चीजें आती है। मतलब जो एड है, ट्रेड है, एड टू ट्रेड है और ट्रेड है, ये सब क्या है? कॉमर्स है। सो एड टू ट्रेड में फंक्शंस ऑफ कॉमर्स क्या है और कौन सी ब्रांचेस है, ये इस वीडियो में हम डिटेल देखेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं ट्रेड। ट्रेड का सब क्लासिफिकेशन है। ट्रेडिंग जो होता है वो ट्रेड मतलब ट्रेडिंग मतलब एक जगह से बाय करना और सेल करना, इसमें दो टाइप्स होते हैं, इंटरनल ट्रेडिंग एंड एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड मतलब क्या? वो कंट्री में ही होता है, एक ही कंट्री में। मतलब इंडिया का प्रोडक्ट है तो सिर्फ इंडिया में ही वो बेचा जाएगा, यूएई का प्रोडक्ट है तो सिर्फ यूएई में बेचा जाएगा, जापान का प्रोडक्ट है तो सिर्फ वो जापान में भी के अंदर ही, मतलब इंटर कंट्री होता है, इसीलिए उसको इंटरनल ट्रेड बोलते हैं। इंटरनेशनल मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बेचना। इंटरनल जो ट्रेड है उसके और दो टाइप्स है, रिटेल एंड होलसेल।
और जो इंटरनेशनल है मतलब दो कंट्रीज तीन कंट्रीज में बेचा जा सकते हैं, उसमें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एंड एंट्री पोर्ट। सो दिस इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड। ट्रेड्स टू टाइप्स में डिवाइड होता है, इंटरनल इंटरनेशनल। इंटरनल होलसेल एंड रिटेल, इंटरनेशनल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एंड एंट्री पोर्ट। चलिए फिर उसका डिटेल्स देखते हैं। इंटरनल जो ट्रेड है मतलब उसे हम होम ट्रेड बोलते हैं, होम ट्रेड भी कहते हैं उसे, क्योंकि होम ट्रेड मतलब सिर्फ होम कंट्रीज में वो होता है। उसकी जो सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स होते हैं वो सिर्फ कंट्री की बाउंड्रीज में ही होते हैं, मतलब एक ही सेलिंग एंड बाइंग ऑफ प्रोडक्ट्स डन विद द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री, मतलब सिर्फ कंट्रीज में ही वो सेलिंग एंड बाइंग होता है। बट वो दैट मे बी लोकल, मतलब एक ही जगह पे गुड्स आर परचेज फ्रॉम वन प्लेस एंड पर्टिकुलर प्लेस पे ही उसे बेचा जाएगा, मतलब स्पेसिफिक प्लेस के लिए ही उसका सेलिंग होगा, तो उसे लोकल बोलते हैं। मे बी इंटर स्टेट, मतलब एक स्टेट पे प्रोडक्शन होगा दूसरी स्टेट में उसका सेलिंग होगा, ऐसे भी हो सकता है, तो इंटर स्टेट हो सकता है। मतलब जो इंटरनल ट्रेडिंग है कंट्रीज में वो लोकल हो सकती है, इंटर स्टेट हो सकती है, या तो फिर स्टेट ट्रेड। स्टेट ट्रेड मतलब क्या, इंटर स्टेट मतलब दो स्टेट में एक्सचेंज, वन स्टेट से लेना दूसरे स्टेट में। बट स्टेट ट्रेड क्या होते हैं, गुड्स आर ट्रेडेड टू पर्टिकुलर स्टेट ओनली। कोई कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है उनके कुछ कुछ स्टेट्स के अंदर ऐसी कुछ मतलब उनका लॉ है कुछ की कोई चीजें है वो स्पेसिफिक स्टेट को ही वो बेच सकते हैं। सो इंटरनल ट्रेड में क्या होता है, जो ट्रेडिंग होता है, ट्रेडिंग मतलब बाइंग एंड सेलिंग होता है, उसमें बाइंग एंड सेलिंग तो बेनिफिट के लिए ही करते हैं ना सब, तो बाइंग एंड सेलिंग जो होता है उसमें करेंसी इंपॉर्टेंट है। सो इंटरनल में जो नेशन की करेंसी है उसके अनुसार ही उनका पेमेंट होता है। अब इंटरनल जो ट्रेड है उसकी और क्लासिफिकेशन है, जैसे मैंने आपको बोला इंटरनल ट्रेड की होलसेल एंड रिटेल। होलसेल मतलब क्या, जो इंडस्ट्री में जो मैन्युफैक्चर हुआ है प्रोडक्ट उसे लार्ज क्वांटिटी में बाय करते हैं। होलसेलर जो होते हैं बाय अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड सेल इट टू रिटेलर। रिटेलर को वो सेल करते हैं हु इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद कस्टमर, मतलब वो डायरेक्ट कस्टमर को नहीं देते होलसेलर, रिटेलर को देते हैं, मतलब जो शॉप्स वाले हैं उनको देते हैं। फिर जो शॉप्स वाले हैं उसे हम रिटेल ट्रेड बोलते हैं। जो होलसेल होता है वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से लेता है और रिटेलर को देता है। जो रिटेल होता है, रिटेल ट्रेड होता है, वो जैसे शॉप्स से जो बाजार से वहाँ से हमें जितनी जो कस्टमर्स को जितनी क्वांटिटी में चाहिए उतनी क्वांटिटी में वो बेचते हैं, उसे रिटेल बोलते हैं। रिटेल मतलब छोटा बिजनेस, वो स्मॉल क्वांटिटी में खरीदता है और स्मॉल क्वांटिटी में बेचता है। सो ट्रेडिंग का, इंटरनल ट्रेडिंग का रिटेल ट्रेड ये क्या है, फाइनल स्टेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। रिटेलर के बाद और कोई डिस्ट्रीब्यूशन स्टेप नहीं है, वो डायरेक्टली कस्टमर के पास जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड मतलब जो कि कंट्री के अंदर हो सकता है, बीच में भी लोकल लोकल इंटर स्टेट और स्टेट। द स्टेट मतलब सिर्फ पर्टिकुलर स्टेट के लिए, उसके दो टाइप्स है होलसेल एंड रिटेल। होलसेल मतलब लार्ज क्वांटिटी में खरीदना और रिटेलर को देना, और रिटेलर जो है जो डायरेक्टली कस्टमर को देता है। नेक्स्ट अब हम उसका सब टॉपिक देखेंगे, ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड को फॉरेन और एक्सटर्नल ट्रेड भी बोलते हैं, क्योंकि वो फॉरेन कंट्रीज के साथ, मतलब एक जो कंट्री है, एक कंट्री दो कंट्री तीन कंट्री चार कंट्री को भी वो बेच सकती है, तो इसे हम इंटरनेशनल बोलते हैं। दो नेशंस के बीच वो एक्सचेंज होता है इसलिए, और उसे फॉरेन यानी कि और एक्सटर्नल भी बोल सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रेडिंग जो है ना इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ऐसे समझा जाता है जिस कंट्री का इंटरनेशनल ट्रेडिंग इंक्रीज हो गया है उस कंट्री की इकोनॉमी ग्रो हो रही है, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज की करेंसी अलग अलग होती है। सो ऐसी कुछ महंगी कंट्री है उनकी इकोनॉमी ज़्यादा बड़ी है, तो वहाँ पे हम सेलिंग करते हैं तो हमें गेन ज़्यादा बढ़ता है, मतलब हमारी कंट्री की इकोनॉमी भी बढ़ जाती है। सो इंटरनेशनल ट्रेड प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल टू इंक्रीज द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ कंट्री। इन इंटरनेशनल ट्रेड एक्सचेंज ऑफ गुड बाय मेकिंग पेमेंट थ्रू अ कंट्री कंसर्न, मतलब हर एक कंट्री के यहाँ उनका करेंसी एक्सचेंज होता है, क्योंकि जिस कंट्री का
जिस कंट्री में हम बेच रहे हैं उसी करेंसी में वो हमें मनी देगा, तो फिर बाद में हमारी कंट्री में आके हमें उसका करेंसी एक्सचेंज से हमारी कंट्री की जो करेंसी है उसमें एक्सचेंज करना होता है, जो कि इंटरनल में जो नेशन की करेंसी होगी उसके अनुसार बाइंग एंड सेलिंग होता है। ओके, सो इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसके थ्री टाइप्स है, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंट्रीपोर्ट। इम्पोर्ट मतलब व्हेन द ट्रेडर्स ब्रिंग्स द प्रोडक्ट फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री, मतलब जो ट्रेडर्स है बाहर की चीज हमारे कंट्री में लाता है तो मतलब इम्पोर्ट करता है। और एक्सपोर्ट मतलब व्हेन अवर गुड्स अपनी एक कंट्री के गुड्स दूसरे कंट्री को जाते हैं उसे एक्सपोर्ट बोलते हैं। ओके, समझ में आ रहा है? इम्पोर्ट मतलब बाहर से अंदर दूसरी कंट्री से हमारे कंट्री में कुछ लाना, और एक्सपोर्ट मतलब व्हेन द गुड्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक जो जाते हैं उसे एक्सपोर्ट बोलते हैं। और थर्ड जो है एंट्री पोर्ट, ये तो अर्निंग का बहुत मतलब ट्रेडिंग में इससे ज़्यादा अर्निंग होती है एंट्री पोर्ट। एंट्री पोर्ट मतलब क्या, जो भी प्रोडक्ट्स है जो भी गुड्स से वो सेलिंग करे वो हमारी हमारी कंट्री में मतलब जो ट्रेडर है उसकी कंपनी कंट्री में नहीं बनता उसे री एक्सपोर्ट करता है। मतलब जैसे कि इंडिया का कौन सा ट्रेडर है वो कुछ चीज़ जापान से खरीदेगा और वो यूएस को ट्रांसपोर्ट करेगा, बट उसका प्रोडक्शन हमारे कंट्री में है क्या? नहीं, मे बी उसका प्रोडक्शन हमारे कंट्री में होगा बट नॉट इन सफिशियंट क्वान्टिटी, सो ही कांट सेल टू अदर कंट्री। सो उसके लिए वो क्या कर रहा है, दूसरे कंट्री से ले रहा है और थर्ड कंट्री को दे रहा है, तो उसमें वो अर्निंग करता है, तो ये जो ट्रेडिंग होता है वो एंट्री पॉट में आता है। ओके, सो दीस आर द थ्री टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। नेक्स्ट हमारा डिस्कशन टॉपिक है, अब तक हमने ट्रेड डिस्कस किया, नेक्स्ट है एड टू ट्रेड यानी कि फंक्शंस ऑफ ट्रेड। ट्रेडिंग का क्या रोल होता है, मतलब ट्रेडिंग में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कौन से उसके ब्रांचेस थे, यानी कि कॉमर्स की कौन सी ब्रांचेस है वो हम देखेंगे। मतलब ट्रांसपोर्ट, कॉमर्स में सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं आता, कॉमर्स में ये सिक्स पॉइंट्स आते हैं, जैसे फर्स्ट है ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, पैकिंग एंड एडवर्टाइजिंग। ट्रांसपोर्ट देखो, मैंने आपको बोला कि मैन्युफैक्चरिंग एक जगह पे होता है, मतलब जहाँ पे सब फैसिलिटी अवेलेबल है, मतलब प्लेस का जो प्रॉब्लम है, प्लेस का जो ऑब्स्टेकल है वो रिमूव करता है। मतलब कौन सी एक पर्टिकुलर जगह पे जो प्रोडक्ट्स है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है बट वहाँ पे प्लेस अवेलेबल नहीं है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, सो जहाँ पे एम्प्लॉय अवेलेबल है, ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल, ऑल थिंग्स कंपेयर करके वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो वहाँ मैन्युफैक्चर हुआ, जो इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर हुआ उस वहाँ से वो जहाँ पे कस्टमर की डिमांड है वहाँ तक पहुँचाना, यह आता है ट्रांसपोर्ट में। सो ट्रांसपोर्ट के टाइम भी ये सब देखना पड़ता है कि जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो प्रोडक्ट का शेल्फ लाइफ मेंटेन होना चाहिए, उसमें कोई स्पॉयलेज नहीं होना चाहिए, कोई जो चीज़ें हैं ट्रांसपोर्टेशन के टाइम उनको कूल सिचुएशन लगती है, तो ये सब मेंटेन किया जाता है और उस पर भी प्रोडक्ट की प्राइस डिपेंड होती है। सो दिस इज अ ब्रांच ऑफ और यू कैन से फंक्शन ऑफ कॉमर्स। वेयर हाउसिंग, सेकंड वेयर हाउसिंग मतलब उसे हम स्टोरेज कह सकते हैं। वेयर हाउसिंग मतलब स्टोरेज, कौन सी भी इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट बनते हैं कभी कभी बल्क क्वांटिटी में बनते हैं प्रोडक्शन, सो जितना क्वांटिटी में वो बनता है उतनी ही डिमांड होगी, ऐसा नहीं होता है। सो वेयर हाउसिंग मतलब स्टोरेज में प्रॉपर कंडीशन मेंटेन करके वहाँ पे वो प्रोडक्ट स्टोर किया जाता है। और वेयर हाउसिंग जो है, स्टोरेज जो है, क्यों इंपॉर्टेंट है देखो, अब जैसे लॉकडाउन हो गया तो लॉकडाउन के टाइम सब मैन्युफैक्चरिंग साइट बंद थे, तो जो चीज़ है उनकी डिमांड जो है वो तो उतनी ही थी, मतलब पब्लिक जो खा रही थी वो चीज़ें तो वो खा ही रही थी, तो ऐसे टाइम स्टोरेज नहीं होता तो फिर उनकी वो प्रॉब्लम हो सकती थी। सो वेयर हाउसिंग भी इम्पोर्टेंट होता है। वैसे बैंकिंग, जब भी कोई मतलब बैंकिंग क्या करता है, जो ऑब्स्टेकल है, जो हिंड्रांसेस है फॉर द फाइनेंस वो रिमूव करता है। बैंकिंग जो ब्रांच होता सेक्शन होता है वो जो ऑब्स्टेकल आते हैं फाइनेंस के लिए वो कम करता है। मतलब वो क्या करेंगे, कंपनी के कुछ शेयर्स बेचेंगे, शेयर्स के थ्रू उनको फंडिंग मिलेगा, या तो फिर डिबेंचर निकालेंगे और लोन्स लेंगे, ऐसे बैंक से लोन लेंगे और
जो क्योंकि सब मशीनरी खरीदने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, स्टोरेज करने के लिए, जो प्रॉपर कंडीशन मेंटेन करनी है उनके लिए, तो सबके लिए फाइनेंस इंपॉर्टेंट होता है. सो ये जो फाइनेंस की सब प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने का काम बैंकिंग सेक्शन करता है. इंश्योरेंस, जैसे कुछ नेचुरल कैलामिटीज आ जाती है, स्टॉर्म आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, या तो फिर एक्सप्लोजन बर्निंग हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में जैसे कि हमारा लाइफ टाइम इंश्योरेंस जो है, लाइफ कवरेज इंश्योरेंस से कवरेज होता है ना, वैसे ही कंपनीज के भी इंश्योरेंस होते हैं. तो सो ये इंश्योरेंस क्या करते हैं, रिस्क ऑफ नेचुरल कैलामिटीज जो है वो कम करते हैं. मतलब कभी कभी ऐसा होता है सडनली कोई प्रोडक्ट पे बैन आ जाता है, गवर्नमेंट उसे बैन कर देती है, तो फिर ऐसे टाइम जो मैन्युफैक्चरर उनको तो बहुत लॉस हो जाता है. सो ऐसे टाइम जो इनके पास कुछ इंश्योरेंस भी होते हैं वो उनको रिस्क कवर देते हैं. मतलब उनको, और जो कोई प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो फिर वो इनके एम्प्लॉय के साथ बात करके वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. बट ऐसी नेचुरल कैलामिटीज कुछ आ जाए तो उनके लिए भी इंश्योरेंस होते हैं. तो इंश्योरेंस डिपार्टमेंट ये सब देखते हैं. पैकेजिंग, पैकेजिंग क्या करता है, टू रिमूव द रिस्क ऑफ स्पॉइलेज. मतलब जो स्पॉइलेज होगा प्रोडक्ट का, उसको जैसे कि एक बॉटल है, ग्लास बॉटल है, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन करते टाइम दो ग्लास बॉटल पास में रखी तो वो ब्रेकेज हो सकता है. तो उसके लिए पैकेजिंग इम्पॉर्टेंट होता है, कौन सी चीज़ में कैसे पैक करना है, ये सब वहाँ पे इम्पॉर्टेंट होता है. वी कैन से द पैकेजिंग इज अ आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग आर्टिकल फॉर ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड डिस्प्ले और यूज. मतलब कैसे यूज करना है, उसका स्टोरेज कैसे करना है, ये सब चीज़ें वहाँ पे मेंशन की जाती है. जैसे कि हैंडल विथ केयर होगा तो वो वहाँ पे स्पेसिफिक सिंबल होता है. देखो ग्लास की चीज़ें होती है, वो कहाँ भी एयरलाइन थ्रू ट्रांसपोर्ट हुआ तो आपने देखा होगा. सो पैकेजिंग का ये सब रोल होता है वहाँ पे. ऐसे ही एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी. एडवर्टाइजिंग जो है वो पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट करता है. जैसे वैक्सीन आ जाए, कोई नई मेडिसिन आ जाए, को पीपल को उसके बारे में डर लगता है. सो जो एडवर्टाइजिंग होता है वो वेरियस पॉम्पलेट्स देके या तो फिर बैनर्स लगा के टीवी पे ऐसा एडवर्टाइजिंग करके प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस जगाते हैं, उनके बारे में नॉलेज देते हैं, पब्लिसिटी करते हैं. अभी तो सोशल मीडिया से भी बहुत सारी पब्लिसिटी हो जाती है. सो दीज आर द सिक्स इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ कॉमर्स. तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कॉमर्स क्या है. यदि आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर दीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.